चित्र हालत है ये पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग का है। अभी भागलपुर मेडिकल कॉलेज है, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर मैंने अपना टेस्ट कराया। 24 को सैंपल लिया गया और ये लिखते हैं डेट ऑफ सैंपल टेस्टिंग 25/5/2021 को, और देते हैं इनडिटरमिनेट, मतलब ना निगेटिव ना पॉजिटिव, कोई जांच नहीं है, और दस्तखत करते हैं। देखिए 25/5 को डेट ऑफ सैंपल टेस्टिंग है इसमें, और दस्तखत करते हैं डॉक्टर जो वहाँ है 24/5/2001 में। पता ही नहीं है कि कब टेस्ट हो रहा है और कब दस्तखत कर रहे हैं आप सर्टिफिकेट पर। दूसरा, जब मुझे लगा कि मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही टेस्ट करा रहा था, फिर मैंने उसी मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में देता हूँ मैं फिर से टेस्ट करने के लिए कि साहब आप फिर से मेरा RT-PCR टेस्ट कीजिए, और ये फिर सैंपल लेते हैं 25/5 को और रिपोर्ट देते हैं ये 26/5 को। ठीक है, इसमें ये डेट है 25/5 को ये जांच करते हैं और 26 को सर्टिफिकेट देते हैं, मेरा आता है नेगेटिव। एक दिन बाद आश्चर्य है ये लोगों का जांच कैसे हो रहा है। मेरे साथ साथ मैं वाइफ का कराता हूँ, वाइफ का जो मैं भेजता हूँ, पहले सदर अस्पताल में मैंने कराया 25 मई को, तो उसका आया एंटीजन टेस्ट में आता है उसका नेगेटिव। फिर मैं हॉस्पिटल जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज भेजता हूँ, वही 24 को ही वहाँ भी ले जाता है, वो देता है RT-PCR रिपोर्ट में पॉजिटिव, जबकि उनको भी कोई नहीं है। मैं ऐसे ही टेस्ट करा रहा था, क्योंकि फ्लाइट में बॉम्बे जाना था, इसलिए मैं मुझे जाना करूँ जरूरी था। फिर जो मुझे शक हुआ कि साहब सदर हॉस्पिटल ने तो मुझे निगेटिव दिया, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में टेस्ट में देता है पॉजिटिव, वो एंटीजन टेस्ट यहाँ हुआ था। फिर मैं प्राइवेट जो पैथ काइन डायग्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड है, जो सरकार के द्वारा ऑथराइज है, उसको मैं देता हूँ, और वो फिर से जांच करके ये 26/5 को लेता है सैंपल और 27/5 को रिपोर्ट करता है, फिर वो निगेटिव देता है। आप समझ सकते हैं कि ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में दोनों पहले अंतर है। यहाँ पर चेक करता है तो वो निगेटिव आता है, सेम डेट में यहाँ करता है एक दिन बाद तो पॉजिटिव आता है। मेरा आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट आया, फिर उसका निगेटिव आ गया, मतलब जांच कोई से, जबकि विधायक और विधायक की पत्नी का ये हाल है, तो जनता का जो भी जांच हो रहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, जो भी जांच हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, और इस पर आप जांच करा के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। स्वास्थ्य के मामले में खिलवाड़, जिसका भी पॉजिटिव आएगा वो तो शौक में ऐसे मर जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। जो माहौल है, पॉजिटिव आना मतलब पूरा माहौल, लोग छूते नहीं है, बगल में जाते नहीं है, माँ बाप की मृत्यु होती है उसके बदन को कोई नहीं छूता, आप पॉजिटिव ऐसे किसी को दे देते हैं, इसका मतलब जांच सही नहीं हो रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग भी इस पर जांच कराइए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आगे किसी के साथ ये खिलवाड़ न हो सके।